हिंदी की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो हिंदी साहित्य में जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं सन 2019 से लेके सन 1955 तक, आज हम उन विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है 2019 में छीलते हुए अपनों को कविता को मिला है, ये कविता लिखी हुई है नंद किशोर आचार्य जी ने। दूसरा है 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये उपन्यास है चित्रा मुद्गल का। 2017 में विश्व मिथक सरित सागर, एक साहित्यिक समीक्षा है रमेश कुंतल मेघ को। 2016 में पारिजात उपन्यास को मिला है नासिरा शर्मा का उपन्यास। 2015 में आग की हंसी कविता रामदर्श मिश्र के द्वारा लिखा गया। 2014 में विनायक उपन्यास जो कि रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। 2013 में मिलजुन मन उपन्यास को के लिए मृदुला गर्ग जी को। 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह के लिए चंद्रकांत देवताले जी को मिला है। 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को मिला है। अगला है 2010 में मोहनदास एक लघु उपन्यास के लिए उदय प्रकाश जी को। 2009 में हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह के लिए कैलाश वाजपेयी जी को। 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र जी को। 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए अमरकांत जी को। 2006 में संशयात्मा कविता संग्रह के लिए ज्ञानेंद्र पति को। 2005 में क्या उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को। 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह के लिए वीरेन डंगवाल को। 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर जी को मिला है। 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह के लिए राजेश जोशी जी को। 2001 में कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के लिए अलका सरावगी जी को। सन 2000 में हम जो देखते हैं कविता संग्रह के लिए मंगलेश डबराल को। 1999 ईस्वी में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। 1998 ईस्वी में नए इलाके में कविता संग्रह के लिए अरुण कमल जी को। 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद कविता संग्रह के लिए लीलाधर जगोड़ी जी को। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा जी को मिला है। 1995 में कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के लिए कुंवर नारायण जी को मिला है। 1994 में कहीं नहीं वही कविता संग्रह के लिए अशोक वाजपेयी जी को मिला है। 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर जी को मिला है। 1992 ईस्वी में ढाई घर उपन्यास के लिए गिरिराज किशोर जी को मिला है। 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह के लिए गिरजा कुमार माथुर को मिला है। 1990 में नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को मिला है। 1989 ईस्वी में अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए केदारनाथ सिंह जी को मिला है। 1988 ईस्वी में अरण्य कविता संग्रह के लिए नरेश मेहता जी को मिला है। 1987 ईस्वी में मगध कविता संग्रह के लिए श्रीकांत वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1986 ईस्वी में अपूर्वा कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को। 1985 ईस्वी में कव्वे और काला पानी कविता संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को मिला है। 1984 ईस्वी में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को मिला है। 1983 ईस्वी में खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मिला है। 1982 ईस्वी में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग रचना के लिए हरिशंकर परसाई जी को मिला है। 1981 ईस्वी में ताप के ताए हुए दिन कविता संग्रह के लिए त्रिलोचन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
1980 ईस्वी में जिंदगी नामा जिंदा रुख उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती जी को मिला है। 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए धूमिल को मिला है। 1978 ईस्वी में उतना वह सूरज है कविता संग्रह के लिए भारत भूषण अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं कविता संग्रह के लिए शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1974 ईस्वी में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को, 1975 ईस्वी में तमस उपन्यास के लिए भीष्म शाहनी को, 1974 ईस्वी में मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लिए शिव मंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1968 ईस्वी में दो चट्टाने कविता संग्रह के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है। 1967 ईस्वी में अमृत और वेश उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर जी को मिला है। 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर नागिंदर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के लिए अगे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1963 ईस्वी में प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए अमृत राय को मिला है। 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा जी को मिला है। 1962 में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि 1962 में कोई पुरस्कार नहीं मिला है। 1959 ईस्वी में संस्कृति के चार अध्याय के भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है इसमें, इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1958 ईस्वी में मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास है जिसके लिए राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1957 ईस्वी में बुद्ध धर्म दर्शन, जिसमें दर्शन का बताया गया है, उसके लिए आचार्य नरेंद्र देव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1956 ईस्वी में पद्मावत संजीवनी व्याख्या, जो कि एक टीका है, के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1955 ईस्वी हिम तरंगिनी कविता संग्रह के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जहां मैंने 1955 से लेके 2019 तक का आप सभी को बता दिया है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।